नमस्ते एवरीवन आई एम उर्मी पंड्या विथ माय मम्मा आशा पंड्या एंड आज हम करने वाले सेतु सना ब्रिज पोस्टर सेतु मीन ब्रिज बंदा मीन लॉक एंड आसना मीन पोज पोस्चर डाउन ऑन योर बैक दोनों नीज बैंड कीजिए दोनों फिट हिप्स मीन शोल्डर के हिसाब से रखिए ब्रॉड दोनों हाथ से हमें एंकल पकड़ने का ट्राई करना है अगर हम नहीं पकड़ पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों हाथ बाजू में रखिए इनहेल एंड एक्सेल पहले हिप्स अप करना है देन लोअर बैक एंड देन अपर बैक जब हम ये आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमें राइट या लेफ्ट नहीं देखना है सो नाउ इनहेल एंड हिप्स लोअर बैक एंड अपर बैक अप दोनों हाथ से आप लोअर बैक को सपोर्ट दे सकते हो बिगिनर्स हो तो फाइव टू टेन सेकेंड्स एंड रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स तक भी आप होल्ड कर पा रहे हो कर सकते हो बैक पेन में आराम मिलता है बैक की हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है इन्जाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन से हमें दूर रखता है चेस्ट नेक स्पाइन स्ट्रेच होता है अच्छे से एंड मैनोपोज और मैंस्ट्रल प्रॉब्लम है तो उसमें भी आराम मिलता है सो येस कीप डूइंग योग स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड जब भी आप ये आसन की प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ कीजिए प्रॉपर टेक्निक के साथ कीजिए एंड जब ब्रीथिंग के साथ एंड प्रॉपर टेक्निक के साथ प्रैक्टिस कर करते हो तो होल्डिंग भी ट्राई कीजिए तभी हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे पोस्चर करने के बाद दोनों नीज बैंड करके स्टमक पे रखिए जिससे आपको लोअर बैक में स्टमक में एंड थाइज़ में आराम मिलेगा काउंटर पोज हम इसीलिए करते हैं कि जिससे हमें कोई भी आसन की वजह से थोड़ा पेन हो तो उसमें आराम मिले थैंक यू